हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजना और आज बात करेंगे मॉनसून स्किन केयर टिप्स की। मॉनसून में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही साथ मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना सूखे ना। जिनके ड्राई स्किन है उनको दो बार से ज़्यादा फेस वॉश यूज़ नहीं करना चाहिए। चाहे वो कितने बार भी फेस वॉश करे, लेकिन दो बार फेस वॉश यूज़ करे, उसके बाद जब भी वॉश करे तो वो प्लेन वाटर से ही फेस को वॉश करे, और बाकी के टाइम पे वो वेट वाइप यूज़ कर सकते हैं। जिनके ऑयली स्किन है वो 3-4 बार आराम से फेस वॉश कर सकते हैं। साथ ही साथ इन बातों का ध्यान रखें कि आप जिस पानी से फेस वॉश करें वो पानी साफ़ होना चाहिए। इसके अलावा फेस स्क्रब भी बहुत ज़रूरी है। वीक में 2 दिन फेस स्क्रब ज़रूर करें। सबसे ज़्यादा अंडरआर्म्स में हमारे पसीने सूखते हैं, पसीने को अंडरआर्म्स से सूखने ना दें। इसके लिए आपको करना ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइप वेट वाइप यूज़ करें, बाथ 2 बार ज़रूर लें। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, एंटी फंगल पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक आपके अंडरआर्म्स को ड्राई रखेगा। आफ्टर बाथ अपने बॉडी को बहुत अच्छी तरह से सुखाएं। बॉडी में अगर मॉइस्चर रह जाता है तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, इसलिए बॉडी में मॉइस्चर बिल्कुल ना रहने दें। पैरों की उंगलियों को अच्छी तरह से ड्राई करें। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो हमारे पैरों की उंगलियाँ हैं वो ड्राई नहीं होती है, हम आफ्टर बाथ भी प्रॉपर वे में पैरों की उंगलियों को ड्राई नहीं करते हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पे मॉइस्चर रह जाता है और उस जगह पे फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। मॉनसून में मेकअप बहुत ही लाइट करना चाहिए, और आपने अगर मेकअप किया भी है तो उसे बहुत अच्छे से क्लीन करना चाहिए। अगर आपके पैर बारिश में गीले हो गए हों, या कीचड़ में, या बारिश के गंदे पानी में गीले हो गए हों, तो अपने पैरों को साफ़ पानी से बहुत अच्छी तरह से साफ़ करें, और उसके बाद एंटी फंगल क्रीम या पाउडर ज़रूर लगाएं। मॉनसून में हमें अपना वाटर इंटेक बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मॉनसून में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिसके कारण हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है। मॉनसून में हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनके थ्रू हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया आ सकते हैं। मॉनसून में जो ह्यूमिडिटी होती है उस टाइम पर आपने नोटिस किया होगा हम काफ़ी डल फील करते हैं, तो ऐसे में हमें विटामिन ए और सी की इंटेक बढ़ाना चाहिए। इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और फेस पे भी ग्लो आता है, और साथ ही साथ हमें ऑयली फूड और स्ट्रीट फूड ऐसी चीज़ें एकदम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बारिश के दिनों में डाइजेशन हमारी काफ़ी वीक होती है। अगर इन छोटी मोटी बातों का हम ध्यान रखें तो हमें मॉनसून में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और इन्जॉय करेंगे मॉनसून को। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।